कमलनाथ सरकार ने 14 आईएएस अफसरों के तबादले इधर से उधर कर दिए, साथ ही साथ 5 कलेक्टर्स को भी हटाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ वक्त पहले रेत खनन और स्टॉक वेरिफिकेशन के विवाद के कारण सुर्खियों में आए होशंगाबाद कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को भी राज्य सरकार ने हटा दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लंबे अंतराल के बाद गुरुवार रात सूबे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 15 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। इनमें कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। होशंगाबाद के कमिश्नर और कलेक्टर दोनों बदल दिए गए हैं। रजनीश कुमार श्रीवास्तव नर्मदापुरम संभाग के नए कमिश्नर होंगे। नर्मदापुरम संभाग के मौजूदा कमिश्नर रविन्द्र कुमार मिश्रा को जबलपुर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है, जबकि होशंगाबाद कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को मंत्रालय अटैच किया गया है। तो धनंजय सिंह भदौरिया होशंगाबाद के नए कलेक्टर होंगे। शैलेंद्र सिंह पिछले कुछ वक्त से विवादों में थे। एक दिन पहले ही वो उस वक्त विवादों में आए जब सोशल मीडिया ग्रुप में उन्होंने बीजेपी विधायक के पुतला जलाने की जानकारी शेयर किए जाने के बाद उस पर रिएक्शन देते हुए गुड लिख दिया था। इस पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर कहा था कि होशंगाबाद कलेक्टर को कांग्रेस की सदस्यता ले लेनी चाहिए। इससे पहले भी उन पर आरोप लगे थे कि रेत खनन पर कार्रवाई को रोकने के लिए उन्होंने तत्कालीन एसडीएम रवि श्रीवास्तव को बंधक बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।